सारा ही तो काम श्रद्धालु था। पंडित जी सुबह सुबह गांव के मंदिर में आरती करते, सेठ जी माथा टेकते, चढ़ावा चढ़ाते, और सारे गांव के दूसरे आदमी भी पूजा पाठ और धार्मिक विचारों के थे। बस कोई मंदिर में ना आता था तो वो था गांव का किसान। चौधरी ने तो फुर्सत ना होती अपने काम थे। एक दिन भगवान ने सोची उसका भी तो हालचाल जानना चाहिए, और पहुंच गया चौधरी के घर। अरे भोले किसान, कदे मन भी याद कर लिया कर। चौधरी बोले, आप कौन? तो उसने बताया, मैं भगवान। अरे भगवान जी, आपके दर्शन में बैठे बिठाए घर में हो गए, इस तो भाग्यशाली और क्या होगा हमारे लिए। पर भले आदमी, कदे तू भी याद कर लिया कर। कहने लगा, भगवान जी कित याद करूं, सारे दिन काम ते फुर्सत नहीं होती। कदे फसल बोण की जल्दी है, कदे पक गई फिर कट जा तो निकालन की जल्दी, मौसम का डर, कितने टाइम नहीं लगता हमने तो। भले आदमी सांझ ने आते वक्त ही माथा टेक दिया कर। महाराज जी, आते वक्त इतना थका आ रहा होता है कि बस पूछ मत। भगवान जी खुश तो हुए पर कहने लगे, फिर भी एक नियम तो बना ले, थोड़ा बहुत तो तने भी कुछ करना चाहिए धार्मिक धर्म के नाम। भगवान जी तो कहने लगा कि ऐसा जुगाड़ नहीं हो जा, मैं बस घर ते याद कर लूँ, तेरा तो मंदिर भी इतना दूर से मैं कहूँगा तो टेम खराब होगा। तो कहने लगा, भले आदमी ने इतनी दूर तक याद क्यों कर करेगा, कुछ तो दर्शन तो करने ही चाहिए तने। अच्छा जी, अगर दर्शन करने हैं तो कोई एक जियो जुगाड़ नहीं हो जा, दर्शन में हमारे पड़ोस में एक कुमार रहने लग रहा है, इसके कर लूंगा याद, आपने कर लिया करूंगा। भगवान जी हंसने लगे, कहने लगे, अरे भले आदमी ना थे तो यू भी अच्छा है, तू नियम बना ले, जब भी रोटी खा तो एक बार कुम्हार के दर्शन मेरे नाम पर जरूर कर लिए। हाँ यो ठीक से महाराज, कुम्हार का साथ आड़ा घर से डोली पर के दर्शन कर लूंगा, और मेरी पूजा पाठ भी हो जाएगी, तू भी राजी हो जाएगा। अरीब तक किसान ने रोज का नियम बना लिया, रोटी खाने से पहले कुम्हार के दर्शन कर ले। एक दिन किसान ने जल्दी जाना था, चौधरी ने रोटी खुवा दी, खाने से पहले कुमार के दर्शन करने ताई डोली पर का आवाज लाई तो कुमार घर में था नहीं। उसकी घराड़ी ने बताया, आज तुम्हारे ये माटी लेने चले गए, सीजन शुरू होगा ना तब बखत तो माटी ले आओगे, तो दिन में मटके ताई तैयार करांगे। अभी इतनी फुर्सत चौधरी ने थी नहीं, बोला किस तरफ गया है, और दिन निकला भी नहीं था, और चौधरी चला कुमार के दर्शन करने। कुमार जहां माटी खोदने लग रहा था, किस्मत बड़ी अच्छी थी, खुदाई करते करते नीचे तक मटका निकला, और मटके में सोने की असर थी। कुमार ने तो ऊपर की तरफ निकाल के देखा, मुंह कोई देखे तो नहीं है, और इतनी देर में चौधरी पहुंच लिया। जैसे कुमार ने ऊपर ने मुंह काटा ना, चौधरी बोलिया, दिख गया दिख गया। और कुमार ने सोची, जिस बात का डर था ना वो ही हो गया, मटका दिख लिया इसने। तो कहता, अरे रुक चौधरी, कहता ना ना, जो मैंने देखना था देख लिया। ईब तो कुमार की ऊपर की सांस ऊपर नीचे के नीचे भाज लिया। और चौधरी का भरके कोड़ी ने बोला, जो मटके में सोना निकला ना, आधा तेरा और आधा मेरा, तो किसने ना बताइए। चौधरी तो गदगद हो गया, अरे भगवान तेरा तो बड़ा बढ़िया प्रबंध से, एक छोटे से नियम तो मेरा इतना फायदा हो गया। बात भगवान की भी नहीं है, नेक काम करने की है। अच्छे अच्छे काम अगर हम रोज करने का नियम बना लेना, यही जिंदगी हमारी स्वर्ग बन सकती है। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रखा है अपने लेवल पर, आप भी करके देखना। सुबह शहर को जाता हूँ 5:30 बजे, सड़क पर सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं, एक तो सैर करने वाले और दूसरे वो मेहनतकश गरीब जो कंधे पर बोरी लटकाए होते हैं और वो इधर उधर से खाली डब्बे और गत्ते उठाते रहते हैं। मैंने नियम बना रखा है, जब कभी भी कोई ऐसा इंसान मिलेगा मैं उसे कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। हो सकता है मेरे लिए वो पैसे इतने ज्यादा ना हो, पर जिसको खुशी से इनाम मिलता है ना उसके लिए वो बहुत ज्यादा है। और परसों तो क्या हुआ, सेक्टर के गेट के ऊपर रेड़ी खड़ी, उसमें गत्ते भी पड़े पर वो चुगने वाला इधर उधर जा रहा है। मैंने थोड़ी देर तो इंतजार किया, कितनी देर खड़ा रहता, फिर मैंने जो कुछ देना था ना वो निकाल के नोट और उसकी रेड़ी के हैंडल के ऊपर जो बनी हुई थी ना टोकरी, उसके में वो नोट रख दिया।
और उसके बाद मैं शहर में निकल गया ये सोच के कि जब वो आदमी आएगा और ये नोट उसको पड़ा मिलेगा तो कितना खुश होगा, कितना अच्छा उसे लगेगा। बस यही आशीष कमाने का एक सबसे आसान और सस्ता तरीका है। आप भी कोई ना कोई एक नियम बनाओ, एक अच्छा काम रोज सुबह करो, बहुत मजा आता है।